जनपद बलिया का एक ऐसा विद्यालय जो एक बार फिर सुर्खियों में है, और इस विद्यालय के दो स्टूडेंट्स हैं जो टॉप किए हैं। इसी विद्यालय से जो है आपको मैंने पिछले बार एक वायरल बॉय कर्मवीर राजभर का वीडियो शेयर किया था। आज एक बार फिर यह विद्यालय सुर्खियों में आ गया। आज हम बात करेंगे जो इन दिनों यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम का रिजल्ट जैसे ही जारी हुआ, तमाम स्टूडेंट के चेहरे पे खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई। आज इन्हीं के बीच हम बात करेंगे इस विद्यालय के ही स्टूडेंट हैं। नाम क्या है जी? मेरा नाम आकृति सिंह है। आकृति सिंह, विद्यालय आपका कौन सा है? जी, केशरीदेव बालिका इंटर कॉलेज। यही विद्यालय। तो आकृति सिंह, कौन से क्लास में आप पढ़ती हैं? जी, 10th क्लास में। 10th। आपका क्या उम्मीद था पहले से कि हम किस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं और क्या ये पढ़ाई का रिजल्ट कैसा आएगा, ये विचार पहले क्या था? हमें पूरा भरोसा था कि हम अपना हम उत्तीर्ण कर जाएंगे, अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तमाम आपके ही क्लास में होंगे स्टूडेंट्स, लेकिन उनमें से आप आगे पैदान पे आए, तो इसके लिए पीछे क्या श्रेय होगा, किनका योगदान रहा जिसके सफल से आप आगे आ गए? जी, हमारे माता पिता और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल गोलू सर और हमारे विद्यालय के पूरा परिवार, हमारे पूरे शिक्षकगण। तो पढ़ाई कितने घंटा आप लोग कर रहा जी? देखिए, हम लोग एक तो लड़कियाँ ऊपर से गांव से हैं, तो हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारी भी होती है, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करनी होती है, तो पढ़ाई के साथ साथ काम भी देखना पड़ता है, तो उसमें टाइम निकाल के हम लोग पढ़ते थे। जाहिर सी बात है कि देहात का जो बात होता है, प्रचलन भी होता है, घरेलू कार्य भी होते हैं, देखना भी पड़ता है, तो इस तरह से पढ़ाई का भी इधर तैयारी करना होता है, तो कहीं ना कहीं दोनों कार्य को हैंडल करना और इस तरह से एक फोकस होता है। जब एग्ज़ाम आते हैं सर पे, तो ज़्यादा ये फोकस होता है कि आखिरकार कैसे तैयारी हो और किस तरह से पढ़ाई किया जाए, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई का एक शेड्यूल बन जाता है। हाँ, और हमारे सर जो है मॉडल्स पेपर भी सॉल्व कराते थे, नोट्स भी बनवा के देते थे, नोट्स हमें शेयर भी करते थे, कभी कभी हम लोग नहीं आते थे स्कूल तो ये खुद से बना कर देते थे हमें पढ़ने के लिए। माँ पिता आपको पढ़ाई में कितना योगदान दिए और कैसे आपको? बहुत अच्छा था, हमारी मम्मी भी बहुत सपोर्ट किए हैं हमारी, और जब भी हम कोचिंग के लिए बोलते थे तो हम यहीं से कोचिंग किए। माँ पिता करते क्या? हमारे मम्मी घर पे रहती हैं हमारे साथ, और पापा प्राइवेट जॉब करते हैं दिल्ली में। और पढ़ाई आगे का क्या सफ़र रहा और क्या सोच है कि आगे माँ पिता का क्या सपना है, क्या करना है अपने बेटिया के लिए, क्या कुछ बात है? हमारे माता पिता यही चाहते हैं कि जो हम पढ़ना चाहते हैं वही इनको पढ़ाया जाए, क्योंकि जिसमें मन लगता है उसी को कराना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि आगे पढ़ाई कहाँ तक करना है और किस लेवल तक करना है? हमें UPSC निकालना है। UPSC? यस सर। UPSC निकालने का पूरा जज्बा है, उसके लिए कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। तो करेंगे। करेंगे। हाँ। जो सपना है उसे साकार करेंगे। जी सर। चलिए, अपना परिचय बता सर। नंदनी। नंदनी। यस सर। पूरा नाम सर? नंदनी गोण। नंदनी गोण। यस सर। नंदनी, आप किस क्लास में? सर 10th में। 10th में। तो इन दिनों आपका रिजल्ट आया हो और इस विद्यालय में आप टॉप पे आई हैं, क्या लग रहा है कि टॉप हासिल करना और इसके पीछे तमाम कठिनाइयों से भी आप गुजरी होंगी? ये सर, मेहनत करके पढ़े हैं तभी तो इतना नंबर आया है। मेहनत तो होता है लेकिन घरेलू भी कार्य होते हैं, तो आप क्या आप फ्री ऐसे पढ़ाई पे ही डिपेंड था या फिर घरेलू भी कार्य? नहीं सर, घर पे बहुत काम होता है, उसको करना पड़ता है, फिर विद्यालय आना पड़ता है, घर पे बहुत काम रहता है सर। एक चीज़ ये आता है कि देखा जाए तो लड़कियों के लिए बेहद छूट उतना नहीं मिलता है, और माँ पिता का कुछ लोगों का यही सपना होता है कि किसी तरह पास करा दिया जाए और उसके बाद आगे किसी तरह दाखिला कर दिया जाए, तो आपके माँ पिता का क्या सोच विचार रहता है? सर, पापा मम्मी पढ़ाना चाहते हैं। यस सर। और आप अपने माँ पिता के सपनों को क्या करना चाहती हैं, साकार करना चाहती हैं या फिर नकारना चाहती हैं? नहीं सर, पूरा करना चाहते हैं। तो इन दिनों आप इस विद्यालय का भी नाम रोशन कर रही हैं और बिल्कुल जो है एक अच्छा संदेश भी है, आपके गाँव के भी लोग मिले होंगे तो अच्छा आपका भी जिक्र कर रहे हैं। सर, मेरे गोलू सर मतलब बहुत मेहनत करते हैं मतलब पढ़ाने के लिए हम लोग को। अच्छा, एक चीज़ है कि कई ऐसे विद्यालय हैं वहाँ पे फीस भी जमा ना हो तो खदेल दिया जाता है स्टूडेंट को, और पढ़ाई का भी टेंशन, और माँ पिता अगर फीस भी नहीं अगर जमा कर पाते हैं तो वहाँ से भी नहीं मिल पाता है सपोर्ट, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा विद्यालय में आप लोग का दाखिला है जहाँ से आप लोग को अगर उस तरह से कहीं कमियाँ भी आता है फीस का या फिर कोचिंग का ही बात कर लिया जाए, आपके मन में है कि हम कोचिंग करेंगे, तो इसके लिए अगर कहीं आपको पैसे की अगर ज़रूरत हो तो पूरा नहीं हो पाता हो उसके लिए बंदोबस्त, तो कहीं ना कहीं यहाँ से आप लोग का कितना सहयोग मिला है? सर, यहाँ पे गोलू सर हैं तो मतलब पढ़ाते हैं, तो पैसा लेट मिलता है तो कुछ मतलब नहीं बोलते हैं सर, बोलते हैं कि चलो मेरे ही घर के बच्चे हैं ना। अच्छा। यस सर। यानी कि उस विद्यालय में आप लोगों ने दाखिला लिया जहाँ से आप लोग के सपने साकार नज़र आ रहे हैं। यस सर।
और आपसे भी परिचय चाहेंगे थोड़ा सा। जी सर, मैं आकृति को मम्मी हूँ जी। ये हमारा यही खुशी हो रही है कि हमारे बच्चे आज इतने मतलब अच्छे नंबर लाए हैं, और इसके सुनकर हमको बहुत खुशी मिल रही है। और इसी के साथ हम विद्यालय पे आए हैं और सोच रहे हैं कि सर मतलब आप फीस की बात कर रहे हैं तो सर कभी बोलते भी नहीं हैं। गोलू सर बच्चे को फीस के लिए कभी नहीं बोलते हैं, जब जिस माता पिता को जब भी उनके पास होते हैं तभी ले आकर जमा करते हैं। ये नहीं कि फीस के लिए मार दो पीट दो ये स्कूल से निकाल दो, ये कभी किसी बच्चे को साथ नहीं किए हैं। आकृति घर पर पढ़ाई कैसे करती थी, दिन रात कितने घंटे पढ़ती थी? नहीं सर, आकृति पढ़ाई करती है। अभी हमारे घर पे अभी हम लोग दो ही, एक आकृति और मैं हूँ। नहीं, खाना उन्हें बनाकर सारे घर को सफाई वफाई सब कर लेती है, इसके बाद पढ़ने बैठती है दो तीन घंटा अपने मन से पढ़ाई को। मेरे को बोलना नहीं पड़ता है, मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि तुम पढ़ो, क्योंकि मैं उसके पढ़ते हुए देखती हूँ। आकृति को भी लग रहा था कि हमें एग्ज़ाम देना है और इस हिसाब से हमें टाइम का भी बाकायदे ध्यान भी रखना है, ताकि ऐसा हो कि रिजल्ट का भी दीदार करना पड़े तो कोई उस तरह से सुना रहे कि हमारा ये रिजल्ट कैसा आया। तो इस वजह से आपका जो है सफलता मिला? जी, सफलता इसीलिए मिला है कि वो मेहनत की है। हाँ, मेरे को बोलना नहीं पड़ा है, हमको भी खाना बनाकर खिलाकर भी मेहनत करती है और रात को पढ़ाई करती है। एक चीज़ यह आता है कि जब माँ पिता का ऐसे सपने होते हैं तो बेटियाँ कहीं ना कहीं बेटे से बढ़कर भी कुछ कारवाक हासिल कर देती है, तो आप लोग को कहीं ना कहीं यह सपना साकार नज़र आ रहा है कि एक बेटे का जो दर्जा होना चाहिए ये बेटियाँ भी पूरा कर सकती है सर। लेकिन हम लोग भी सपोर्ट करेंगे इसका, और सपोर्ट करने के लिए सोचती भी हैं, और इसका भी सपना है तो सोच रहे हैं कि अगर हमारा जितना अगर मैंने औकात होगा उतना तक हम पढ़ाएंगे इसको। धन्यवाद आप लोगों को कि आप लोगों ने इतना तो मन में बात रखा है कि आगे तक पढ़ाने का ये बात सोचे हैं। कुछ लोग होते हैं कि इतना ही तक सीमित कर देते हैं और बाकी जो है भविष्य को कुछ सोचते हैं। नहीं सर, मैं तो अपने हस्बैंड से लड़ाई भी करती हूँ कि इसको पढ़ाना है, और जैसे भी उससे पढ़ाइए इसको, क्योंकि अब हमारे बच्चे अब यही एक दो रह गए हैं पढ़ने वाले। और ये विद्यालय में कैसा लग रहा है कि इस विद्यालय में आपने इनका एडमिशन कराया और विद्यालय से काफ़ी इतना सहयोग मिल रहा है, तो इस विद्यालय के लिए क्या करना है? नहीं सर, जब मैं एडमिशन इसको कराई तो अभी तो इतना कुछ नहीं चल रहा था, अच्छा पढ़ाई भी नहीं। मेरी बड़ी वाली लड़की भी यहीं से पढ़ाई की है, लेकिन जब से ये गोलू सर जी आए हैं तो सब बहुत अच्छा पढ़ाई है। इन लोग पर बहुत मन के ये दिए हैं, और रास्ते वस्ते में सब सुविधा देते हैं, किसी को बोलने का किसी को हिम्मत नहीं है कि हमारे स्कूल से लड़की जाए तो कोई कुछ छेड़छाड़ कर सके, कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत मतलब सहयोग करते हैं। अच्छा, चलिए, दोनों आज इस विद्यालय का नाम रोशन करने के साथ साथ हमारे साथ उपस्थित थे, और जैसा कि बता दूं आपको कि विद्यालय अगर देखा जाए तो विद्यालय के ढांचा नहीं, शिक्षा से ही उसका ढांचा तैयार होता है। आज ये शिक्षा ने इस विद्यालय के ढांचा को तैयार किया, ये विद्यालय का जो है पूरा नींव रख दिया, और ये विद्यालय में जो स्टूडेंट्स ने अपने पढ़ाई को जारी किया आज काफ़ी खुशियां नज़र आई। और इस खास मौके पे हम लोग भी पहुँचे और इन लोगों से बात हुआ, और पढ़ाई का कैसे इन लोगों का एक शेड्यूल था आप लोग से ही हमने साझा किया, और फिलहाल इन लोगों के आपका एक सहयोग चाहिए, और बाकी बाकायदे जो इन लोगों का अपडेट होगा फिलहाल हम मिलेंगे। इस वक्त इतना ही, नमस्कार।